बिहार विधान परिषद की 4 सीटों पर चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। सारण के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में प्रशांत किशोर समर्थित उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। बता दें कि जनसुराज पार्टी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी अफाक अहमद सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीत गए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर निकटतम प्रतिद्वंदी महागठबंधन प्रत्याशी आनंद भुस्कर रहे। इधर सारण स्नातक छपरा सिवान गोपालगंज पूर्वी चंपारण एवं पश्चिमी चंपारण चुनाव का परिणाम देर रात आया। इसमें महागठबंधन समर्थित जदयू प्रत्याशी का डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव ने दूसरी बार भाजपा प्रत्याशी महाचंद्र प्रसाद सिंह को शिकस्त दी है। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में प्रथम वरीयता के मतों से 9वें चक्र में महाचंद्र प्रसाद सिंह को डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव ने 5,758 मतों से हराया। महाचंद्र प्रसाद सिंह को 24,888 एवं डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव को 30,647 वोट मिले थे। मतपत्रों की गिनती राजकीय कन्या उच्च विद्यालय स्कूल में बनाए गए केंद्र पर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच की गई। पूरे मतगणना केंद्र की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से की जा रही थी। इसके साथ ही मतगणना की वीडियोग्राफी भी की गई। सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में मतों की गिनती की प्रक्रिया दोपहर के बाद शुरू किया गया। सारण स्नातक चुनाव में 9 प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे थे। मतगणना के दौरान देर रात तक डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव एवं महाचंद्र प्रसाद सिंह के समर्थक मतगणना केंद्र के बाहर डटे हुए थे। डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव पहले ही चक्र से बनाए हुए थे बढ़त। जी हाँ, जदयू के प्रत्याशी डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव मतगणना में शुरू से ही बढ़त बनाए हुए थे। परिणाम की घोषणा प्रथम वरीयता के मतों के आधार पर की गई है। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में यह बहुत दिनों के बाद हुआ है कि किसी प्रत्याशी को प्रथम वरीयता कीमत के आधार पर ही विजय मिली हो। चुनाव जीतने के बाद वीरेंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की जीत है। बता दें कि कोशिश शिक्षक एमएलसी सीट पर चुनाव के मतगणना में जदयू प्रत्याशी संजीव कुमार सिंह ने जीत हासिल की है। संजीव कुमार को 8,692 मत मिले, जबकि बीजेपी प्रत्याशी रंजन कुमार को 599 वोट मिले। टफकॉन XT600 HCR TMT रिबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ टफकॉन XT के साथ।